उस शख्स को कबूल कर लूं, घुटने टेक दूं उसके सामने, हार मान लूं उससे? उससे नहीं, दिलकश के सामने हार माननी होगी, अपनी बेटी के सामने हार माननी होगी। और तुम दुनिया की कोई अनोखी मां नहीं होगी जो ऐसा करोगी। औलाद के सामने तो बड़े बड़े घुटने टेकते आए, क्या मैंने नहीं किया था? बाबा, आप मुझे मेरी गलतियां याद दिलाने और तंज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ऐसा नहीं है फिरदौस, तुम अपने बाप से ऐसी तवक्को रखती हो, बहुत अफसोस हुआ यह जानकर। मैं सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाह रहा था कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इससे पहले जमाने में ना हुआ। बच्चे मां बाप की मोहब्बत से नाजायज फायदा उठाते हैं, खासतौर पर इकलौते बच्चे जिन्हें ना मुकम्मल घर मिलता है ना मुकम्मल मां बाप। उन्हें यकीन होता है कि उनके मां बाप के पास एक ही रिश्ता है जिसे वो हर सूरत बचाएंगे। तुम इसे बेशक इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहो, लेकिन मैं इसे मान और भरोसा कहता हूं जो औलाद को मां बाप पे होता है, कि वो कुछ भी कर ले उन्हें माफी भी मिलेगी और मोहब्बत भी। देखिए बाबा, मैंने अपनी मर्जी से शादी जरूर की थी, लेकिन भागकर तो नहीं, आपको राजी करके की थी। क्योंकि तुम जानती थी कि मैं मान जाऊंगा, तुम्हारे रोने धोने से डर जाऊंगा। ऐसी दिलकश भी अपनी मां के बारे में जानती थी कि वो कभी उसके रोने धोने और धौंस में नहीं आएगी, इसलिए उसने ये इंतहाई कदम उठाया। अब दुनिया के सामने मुंह छुपाने से बेहतर है कि शादी का ऐलान करो, बेटी और दामाद को गले लगा लो, इसी में इज्जत है। दिलकश, तुम आ गई? अब तुम फिर से इसी कॉलेज में पढ़ोगी? ओ हाँ, दरअसल तुम्हारी मामा ने तुम्हें परमिशन दे दी यहाँ पढ़ने की, और तुम क्या फिर से हॉस्टल में रहोगी हमारे साथ? इसे अब यहीं रहना है, जहां मैं होऊंगा वहां पे ये होगी, और हॉस्टल में क्यों रहेगी ये? मेरे घर पे रहेगी, क्योंकि अब ये मेरी बीवी है, मिसेस समीर मलिक। डी से स्टार्ट करेंगे, then B minor, उसके बाद A, and then back to D, ठीक है? then दोबारा से D, उसके बाद B minor, and then A, D पे करेंगे दोबारा से, उसके बाद B minor, और उसके बाद A, और दिलकश, स्टैंड अप। आप क्लास से बाहर चली जाइए। मगर समीर, मैं कह रहा हूं ना, क्लास से बाहर जाइए प्लीज। जी सर। डी, डी के बाद बी माइनर, और बी माइनर के बाद ए।
दिलकश आहिस्ता चलो, थक जाओगी तुम। तुम्हें क्या? ओ सॉरी, आपको क्या सर? देखो अभी हम कॉलेज में नहीं है। हाँ हाँ कॉलेज में नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है, इसे तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का मजा नहीं आएगा। इंसल्ट? तुमने मुझे सबके सामने डांटा। तुम क्लास में फजूल से हरकतें कर रही थी, वहाँ पे मैं टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट हो। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो सिर्फ अकेले में हो और सबके सामने तुम मुझ पर रोब जमाओ और मुझे डांटो। तो तुम क्या चाहती हो कि अकेले में करने वाला प्यार भी सबके सामने करो? सोच लो फिर ना कहना। बेकरार है दिल बेकरार, बेकरार है, प्यार है तुमसे प्यार, तुमसे प्यार है। प्यार है तुमसे प्यार, तुमसे प्यार है, प्यार है तुमसे प्यार, तुमसे प्यार है। ऐसा कब तक चलेगा? दफ्तर जाती हो तो घंटे भर में वापस लौट आती हो, और घर में होती हो तो कमरा बंद करके यूं खामोश पड़ी रहती हो। मैं क्या करूं बाबा, मेरे अंदर एक जंग चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपने दिल से पूछ लो, वो जो फैसला करे मान लो। मगर बाबा, मैंने जो फैसले किए थे दिल से ही किए थे, और आपने उन्हें गलत करार दिया था। वो फैसले तुमने अपने लिए किए थे, अब औलाद के लिए करने हैं, इकलौती औलाद के लिए। और मैं नहीं समझता कि कोई भी मां अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला कर सकती है। ठीक है, दिलकश यहां पढ़ सकती है, मगर आपको हम बतौर टीचर कबूल नहीं कर सकते। दाल रोटी खाने के दिन आ गए। प्यार है तुमसे।